हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन टुडे। आज हम लोग सीखने वाले हैं द यूज ऑफ टू टू इन सेंटेंसेस। क्लास 10th, 11th, 12th में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये जरूर से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पर से कुछ एक्सरसाइज। यू आर वेरी यंग, यू कैन नॉट गेट मैरिड। अब इस सेंटेंस में आपको टू टू लगाना है। एग्जाम में आपको ब्रैकेट में दिया जाता है नॉर्मली कि इसमें आप टू टू लगाइए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में वेरी जैसे शब्द हैं वो आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि वेरी इज इक्वल टू टू। जो वेरी शब्द है वो ही उसका जो वेरी शब्द का मीनिंग है वही टू का मीनिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस में अगर वेरी दिया है तो उसके बाद में वेरी दिया है तो आपको उसको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, यू आर। अब वेरी हटा कर आपको लगाना है टू। तो यू आर टू यंग। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में वेरी नहीं होता है तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, देखिए यहाँ पर जो यंग है एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के आगे आपको लगाना है टू। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर वेरी नहीं दिया है तो, और अगर वेरी दिया है तो वेरी हटाना है और उसकी जगह पे आपको लगाना है टू। तो चलिए, यू आर टू यंग, उसके बाद में इमीडिएटली आपको लगाना है टू। यू आर टू यंग टू। अब टू हमने लगा दिया है, आपको पता है टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब यहां पर, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, गेट मैरिड। बहुत सिंपल है, ये फुल स्टॉप यहां से हट जाएगा। देखिए नॉर्मली ये जो टू टू है ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, और संयोजक का काम क्या होता है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का। देखिए यहां एक वाक्य है और एक वाक्य यहां है, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन टू टू। क्लियर हुआ। एक और सेंटेंस देखते हैं, आपको क्लियर होगा। He is very poor. He cannot send his children to school. तो चलिए, He is very poor. सबसे पहले हमें क्या करना है, very को हटाना है, उसकी जगह पे क्या लगाना है, too. तो चलिए इतना करते हैं, He is too poor. वो बहुत ही गरीब है, फिर लगाना है too. अब too के बाद में हमें verb लगाना है। Verb इस sentence में कौन सी है, send, to send his children टू स्कूल। सिंपल, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, द पजल वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी हटाएंगे और उसकी जगह पे टू लगाएंगे। पजल वॉज वेरी डिफिकल्ट, पजल बहुत डिफिकल्ट थी। तो चलिए, द पजल वॉज टू डिफिकल्ट। फिर वापस से हैं, अच्छा यहाँ पर क्या है, द पजल वॉज टू डिफिकल्ट, आई कुड नॉट सॉल्व इट। तो अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, द पजल वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए पजल बहुत डिफिकल्ट थी, टू। अब वापस से वर्ब लगाना है हमें, सॉल्व इट। ठीक है, द पजल वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसा भी आंसर आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये तो एक प्रकार से सेंटेंस हुआ, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द पजल वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज वेरी स्ट्रांग, यू कैन नॉट बीट हिम। वो बहुत स्ट्रांग है, आप उसे मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। तो चलिए बहुत सिंपल, वेरी हट जाएगा, सो क्या लिखेंगे, ही इज टू स्ट्रांग टू बीट। अब हीम लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बीट, वो पीटने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ द वॉटर इज वेरी सॉल्टी, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो बहुत सिंपल है, द वॉटर इज टू, वेरी हटा, सॉल्टी बहुत नमकीन है, फॉर मी, अब यहां पर आई है इसलिए हमने लगा दिया फॉर मी टू। अब वर्ब लगाएंगे ड्रिंक, द वॉटर इज टू सॉल्टी फॉर मी टू ड्रिंक। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, द वॉटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक। फॉर मी अगर आपने नहीं लगाया तो टू ड्रिंक, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, बट दिस इज द
प्रॉपर वे. ओके, कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं. देखिए यहां पर लिखा है वी अराइव्ड वेरी लेट, वी कुड नॉट हैव डिनर. तो बहुत सिंपल, वी अराइव्ड टू लेट, वेरी हट जाएगा, टू लगाएंगे. अब वर्ब देखिए यहां पे वी कुड नॉट, मेन वर्ब यहां पे कौन सा है, हैव है, टू हैव, और पीछे का सेंटेंस डिनर. वी अराइव्ड टू लेट टू हैव डिनर. द लास्ट वन हम लोग सॉल्व करते हैं. बाकी के तीन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपको अपने आपसे करना है और इसके आंसर्स आपको चेक करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. द हाउस इज वेरी स्मॉल, द हाउस इज टू स्मॉल, वेरी हट जाएगा, टू. अब वर्ब देखेंगे टू के बाद में, एकोमोडेट everybody. क्लियर है, द हाउस इज टू स्मॉल टू accommodate everybody. तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि ये रिमेनिंग थ्री सेंटेंसेस हैं, ये आपको करना है अपने आप से. इसके आंसर्स आप कमेंट में भी दे सकते हैं और उसके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.